यमुनानगर नगर निगम के खिलाफ जारी भूख हड़ताल को कई दलों ने समर्थन का ऐलान किया है। प्रॉपर्टी, आईडी, सफाई व्यवस्था, सड़कों की हालात को लेकर यमुनानगर नगर निगम के खिलाफ आगाज संस्था द्वारा 2 दिवसीय भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। 80 वर्षीय एडवोकेट बलबीर सिंह भूख हड़ताल पर है। उनके समर्थन में IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजन शर्मा, कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर श्याम सुंदर बत्रा, गुरुदयालपुरी राणा सहित भारी संख्या में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और अपने समर्थन का ऐलान किया। अब मैं अपनी तरफ से एज ए जिला कांग्रेस यमुनानगर कोऑर्डिनेटर की तरफ से और अपनी पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेता हमारी कुमारी शैलजा जी की तरफ से आज बलबीर सिंह जी को, आगाज संस्था को इस धरना प्रदर्शन के लिए समर्थन देने के लिए आया हूं। और ये भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, सबसे बड़ा निकम्मापन है कि इतना भ्रष्टाचार, जगह जगह भ्रष्टाचार के अड्डे खोल रखे हैं इन्होंने और जानबूझ के ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए इस गूंगी पैरी और अंधी सरकार को जगाने के लिए ये जो बलबीर सिंह जी बैठे हैं, इनको हम समर्थन देने और इनका हौसला बढ़ाने के लिए आज इनके बीच में आए हैं। जिला कांग्रेस यमुनानगर की तरफ से हमारी नेता कुमारी शैलजा जी की तरफ से आज इनको समर्थन देने के लिए आए। देर जी आए थे कल, लेकिन उन्होंने आते ही ये कहा था कि मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी से आया हूँ। फिर उससे क्या बात करते, अगर मेयर की कैपेसिटी नहीं आता फिर तो अपनी बात उसके सामने रखते। जिसने आते पहले ये कह दिया मैं तो पर्सनल कैपेसिटी से मिलने के लिए आया हूँ, बताओ इनके चाय पानी का क्या इंतजाम करें। इसके अलावा चाय पानी पिलाई, चाय पानी आप उनसे पीने के लिए आए थे। तो मुद्दे क्या आपके? मुद्दे ये बताएं जरा। ये सबसे बड़ा मुद्दा जो आज शहर के अंदर चर्चा का विषय ना, वो आईडी प्रॉपर्टी का है जो इन्होंने सर्वे करवाया था। हम कल से यहाँ बैठे हुए हैं, सारे लोग यही शिकायत लेके आते हैं, किसी का सर्वे ठीक नहीं किया हुआ, किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम पे उड़ा दी है। अगर आज से 2 साल पहले किसी की कोई जिसके नाम प्रॉपर्टी थी उसकी डेथ हो गई, वाइफ के नाम करवाई हुई है, उन्होंने आप बदल के फिर हस्बैंड के नाम कर दी है, तो ऐसी काफ़ी शिकायतें हैं। और ऐसे BPL कार्ड जो है उन लोगों जी सारे शहर की गंदगी, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नियम के मुताबिक निगम के अंदर 1200 सफाई कर्मचारी होनी चाहिए, लेकिन है 600 में से भी रेगुलर जो है 200 है, बाकी 400 ठेकेदार के हैं और उनमें से 100 अफसरों के घरों के सामने खड़े होते हैं। सफाई का कोई इंतजाम नहीं, इतनी शिकायतें हैं सफाई वालों की जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो भी समस्या इनके सामने जाती है, इसका इनके पास कोई हल नहीं। देखो गार्बेज चार्जेज 1200 रुपये साल ये उन्होंने लगा दिया, लोग पहले महंगाई के मार के नीचे दबे हुए हैं, बेकार बेरोजगार हैं और इतने टैक्स इन्होंने बढ़ा दिए हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है पे करने की। और इसके अलावा 1200 के अलावा ये जो स्कूल है, छोटे छोटे स्कूल भी है ना, उनका टैक्स कितना सफाई का, 1000 रुपया महीना, 12000 रुपये साल, और जो हॉस्पिटल है उसका 2000 रुपये महीना, 24000 रुपया था, और छोटे हॉस्पिटल जो क्लिनिक है उनका भी इतना इन्होंने पूरा बना दिया था। तो अगला कदम क्या रहेगा, ये 2 दिन में सरकार नहीं जागती, मेरे साहब नहीं बात। हाँ, हमारा मकसद तो जनता को जगाना है, उनको एहसास करवाना है कि अगर आप अपने अधिकार लेना चाहते हो तो सड़कों पे आना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानते फिर बड़ी मीटिंग सब की मिल के बुलाएंगे और उसमें अगर जो फैसला करेंगे कि अगला एक्शन क्या होगा। कहना जो सामने नज़र आता है, ये सारे समाज को और प्रशासन को सोचना चाहिए कि जिस उम्र में इनको अपना बुढ़ापा है, जिस उम्र में इनको अपने बुढ़ापे में आराम करना चाहिए, ये सारे शहर के लिए हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बन के धरने पे बैठे हैं। और जो ये यमुनानगर की अकेले समस्या नहीं, पूरे प्रदेश की है। और आप ये सोचिए कि
गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में ऐसी कौन सी सिस्टम में खराबी आई कि सारे दो लोग परेशान कर रहे हैं। सरकार हमारे भले के लिए हमारे टैक्स से चलती है, हमने टैक्स दिए हैं, पर वही टैक्स हमारे गले की फांस बन जाए ये कतई बर्दाश्त नहीं है। इसी करके अगर आप देखेंगे राजनीति के अलावा ये सामाजिक धरना है, शहर का धरना है। ये शिक्षक भी रहे हैं, गुरु भी रहे हैं, समाज को हम सबको शिक्षा दी है और एक शिक्षक एक बुजुर्ग ऐसे धरने में बैठा है तो मेरे ख्याल से हमें तो ये पूछना ये सोचना चाहिए हमने ऐसा क्या किया, बजाय इसके ये पूछना कि आप घर बैठे क्यों धरने। अगर हमारा बुजुर्ग हमारे माता पिता कोई घर पे एक दिन का खाना नहीं खाते या एक समय का खाना नहीं खाते तो हम सारे पूछने लग जाते हैं और ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं मांग रहे, अपने लिए नहीं कह रहे कि मेरे को एक प्लॉट दे दो, ये कह रहे जो टैक्सेशन की समस्याएं हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाए। अब किसी के लाखों साल इतने सालों की लाखों की प्रॉपर्टी है किसी और के नाम चढ़ गई है और इस मामले में मैं कहूँगा धर्म कर्म किसी भी मामले में भेदभाव ना करते हुए निगम ने सबके साथ भेदभाव। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।